Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to yet another haul video guys. So आज मैं शेयर करने वाली कुर्ता सेट्स एंड तुम लोग जानते हो कि मुझे चिकनकारी कुर्ता एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत बहुत. इसलिए मैंने ये लहंगा को भी ने स्टाइल किया है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ. तो जानते हो कि इंडिया के जो कुर्ते या इंडिया का कोई भी कपड़ा जो है ना 1000 से तो स्टार्ट हो जाता है. 1000 से कम में मुझे अभी तक नहीं मिला था. तो ये इकलौता कुर्ता है जो मुझे 500 की प्राइस में मिला है. इसमें पिक्चर में मैंने देखा ना, तो एज अ ड्रेस भी मैं वेयर कर सकती हूँ. इसमें बहुत प्यारा सा गोटा पट्टी वर्क किया हुआ है नेकलाइन पे. एंड लार्ज साइज मैंने बाय किया है क्योंकि मुझे आजकल ना ढीला ढाला लूज काइंड ऑफ पहनना बहुत अच्छा लगता है. ओके, इसमें पॉकेट्स भी है. हाँ यार, है क्या सच में पॉकेट्स है. एंड मैं इसे एज ड्रेस सोच रही थी, पर ये कुर्ता की तरह ही अच्छा लगेगा. अच्छा, एक साइड कट है. नहीं, ये कट वाली है तो ये ड्रेस किस तरह नहीं वेयर कर सकते. पर इसका कलर कितना प्यारा है, स्काई कलर. मतलब पूरा समरिश फैब आ गई ना, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा ये ठंड जल्दी जाए. एंड यहाँ स्लीव पे भी 3/4 स्लीव आई है. यहाँ पे भी गोटा वर्क है. कॉटन कॉटन प्योर कॉटन की फैब्रिक है. एंड फ्रंट में पूरा गोटा का वर्क है. क्लोजअप मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ एंड पूरी डिटेल रिव्यू शेयर करती हूँ, सो दैट तुम लोग बाय करो तो बिल्कुल भी रिग्रेट ना हो यार क्यों बाय कर लिया. तो वो वाली कंडीशन मुझे, मतलब मेरे मुंह से वो है ना निकलता ही नहीं है कि मैं बुरी चीज को मैं अच्छी बोल दूं. मुझे लगता है मेरे कारण किसी का पैसा क्यों बर्बाद हो. तो नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है ना, वो मैंने आलिया कट में लिया है. तो वो मैंने बहुत टाइम पहले आलिया कट कुर्ता एक्सप्लोर किया था. तब तक मैं जानती भी नहीं थी कि आलिया कट इस पैटर्न को बोलते हैं. लेटली जब भी मैं आलिया कट पहनती हूँ ना, मुझ पर बहुत अच्छा लगता है. एंड आई फील द सेम फॉर यू गाइज. तो मुझे लगता है तुम लोग भी ये फील करते होगे, कमेंट में बताना. तो ये बसंत पंचमी को ध्यान में रख के लिया है. एंड मेरे पास, मैं ढूंढ रही थी, पीले रंग का एक भी कुर्ता सेट मेरे पास नहीं है. मैंने इतने सारे कलर्स बाय करे, पीला ही नहीं है. तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं प्रॉपर पीला का एक कलेक्शन हॉल शेयर करूं एंड बाय करूं इसी बहाने. तो क्या कहते हो, मतलब कुर्ता सेट हॉल देखना है बजट वाली, तो प्लीज कमेंट में बताना. इसमें ना फॉल्स मिरर वाली पैटर्न फ्रंट में बनी हुई है. ये प्रॉपर आलिया कट है. 3/4 स्लीव आएगी. कॉटन की फैब्रिक बहुत अच्छी है. एंड ये पैटर्न जो है ना, इसमें थोड़ा गोल्डनिश कुछ है. क्लोजअप में शेयर करूंगी. बैक में भी यही फैब्रिक है, बस फ्रंट में फॉल्स मिरर लगे हुए हैं. पॉकेट है ये क्या, नहीं है. सो ये पूरा ऑल ओवर पैटर्न होगा. नेकलाइन का डिफरेंट पैटर्न है. कॉटन की फैब्रिक है तो पूरी गर्मी हम आराम से स्टाइल कर सकते हैं. इलास्टिकेटेड पैंट आई है जो बहुत अच्छी है. पॉकेट्स ओके नहीं है. एंड इसकी पैटर्न डिफरेंट है. ओके, ये वाली पैटर्न है. एंड इसके साथ दुपट्टा भी आया है, बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट और सॉफ्ट टाई एंड डाई वाला पैटर्न. तो ये है 700 की प्राइस में. सारी डिटेल मैं स्क्रीन पर डालती जाऊंगी. ओके, नेक्स्ट कुर्ता सेट इज फ्रॉम बीबा. अब बीबा की कुर्ता सेट्स की जो प्राइस होती है ना, हमेशा हमेशा 2000 की एवा भी मुझे मिलती है. पर एक कुर्ता सेट, एक्चुअली दो कुर्ता सेट, प्रॉपर कुर्ता जो था ना बहुत ही प्यारा था. वो मैं किसी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. मेरी उस पर भी नजर है, पता नहीं उसकी प्राइस बढ़ ना गई हो, 700 की हो गई थी. उसके बाद मेरी नजर इस पर पड़ी और मैंने फिर इसे ऑर्डर कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि गर्मी आ जाएगी और फिर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे. तो अगर इन इस कलेक्शन में से कुछ भी पसंद आ रहा है ना, तो जाके जरूर बाय कर लेना. एंड ये लिटरली इतना प्यारा फैब्रिक है, इतनी अच्छी फॉल दे रहा है ना. एंड मेरी हाइट है 5'2" और मुझ पे परफेक्टली ये क्यूलोर्स वाला लुक दे रहा है. मतलब इसका ट्राउजर प्रॉपर जो पाकिस्तानी एक ट्रॉयलेस एक इफर्टलेस बहुत ही प्यारा इसे पहनने के बाद लुक आ रहा है. एंड ये पिंक कलर, फ्यूचर पिंक कलर बहुत ज्यादा अल्टीमेट लग रहा है. इसमें इसे मैंने बाय करा है 1200 में. एंड दिस इज स्टील रील. ओके, साइज में बता दूं, 36 मांगा है. 36 ये मेरी साइज है, मतलब मीडियम. Awesome.
इसकी फैब्रिक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, कॉटन से भी ज्यादा कंफर्टेबल है एंड आयरन की जरूरत ही फील नहीं आएगी। नेक्स्ट इज माय हार्ट, माय गॉड, ये वाले प्रॉपर कुर्ता सेट प्योर फील वाले चिकनकारी में मुझे चाहिए थे बहुत टाइम से, पर ऐसे कुर्ता सेट्स जहां भी मैंने देखे 5000 के नीचे नहीं था। जो रियल चिकनकारी होता है ना वो बहुत एक्सपेंसिव आता है, बहुत ही महंगा आता है। एंड कुछ विशलिस्ट में मैंने किए हुए थे, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, यहाँ पे देखना 5000 के नीचे कहीं नहीं थी। सिर्फ कुर्ता जो थी वो 3500, 3800, 4000, 5000 इस तरह की प्राइस में था। एंड दिस वन आई गॉट इन 2299 एग्जैक्टली। जो वर्क दैट मॉडल फैब्रिक में चला हुआ है ना वो है ये। एंड साइज मैंने लार्ज बाय किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप पे पहनने के बाद। बहुत टाइम से मुझे ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में चाहिए था। मैंने ह्यूज चिकनकारी हॉल कुर्ता हॉल एंड ट्राउजर हॉल सेपरेटली शेयर किया है, तो जिन्हें कंफ्यूजन है कि कौन किस टाइप का मैं ट्राउजर वेयर करूँ चिकनकारी कुर्ता के साथ, तो वो वीडियो भी देख लेना। एंड चिकनकारी हॉल मतलब अफोर्डेबल वाले चिकनकारी कुर्ता हॉल भी मैंने प्रॉपर शेयर किया है, वो भी जाके देख सकते हो। पर ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला कॉम्बिनेशन मुझे अभी तक नहीं मिला था, उस सब में मैंने कलरफुल पैटर्न शेयर किए हैं। इवन अभी भी एक कुर्ता सेट मेरे विशलिस्ट में पड़ा हुआ है, पर वो भी 35 के एवव है आई थिंक, या 4000 के रेंज में है। पर ये वाला प्राइस मुझे बहुत सही लगा, तो अगर इन केस तुम्हें चाहिए जल्दी से जाके बाय कर लेना, क्योंकि इसकी प्राइस कोई नहीं जानता कब बढ़ जाए। एंड दिस इज नॉट रिप्लिका, प्रॉपर चिकनकारी है गाइस। देखो मैंने अफोर्डेबल में बहुत सारे कुर्ता चिकनकारी कुर्ता हॉल शेयर किए हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। एंड नाउ दिस वन, ये कुर्ता सेट मेरे विशलिस्ट में आई थिंक 2 या 3 साल हो गए होंगे, बहुत टाइम से था। एंड ये कुर्ता तब मैंने विशलिस्ट किया था, तब इसकी प्राइस 800 थी, और मुझे इतना अफसोस हुआ था ना उसके बाद, मैंने जब मैं वापस जाकर मैंने बाय करने की कोशिश की तो इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई अराउंड 1299 या 1314 इतनी तक बढ़ी है, अभी भी शायद 800 ही है। तो मुझे मिल गई 800 प्राइस में, तो मैंने जल्दी से बाय कर लिया बिना लेट किए, क्योंकि ये पैटर्न मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये भी आलिया कट में है, प्योर कॉटन की फैब्रिक है, एंड इसका पूरा जो फील था ना दैट इज अल्टीमेट, मुझे बहुत पसंद आया था। एंड इसके साथ ट्राउजर आई है, कॉटन की फैब्रिक है, प्योर कॉटन की है, फ्रंट में इलास्टिकेशन नहीं है, बैक में आएगा। एंड इसकी पैटर्न एंड उसकी कुर्ता की सेम है, एंड इसका कलर जो बेस कलर है ना वो बहुत प्यारा है, स्काई ग्रीन का कोई टच है, प्रॉपर कलर मुझे डिस्क्राइब करना नहीं आता। एंड लास्ट कुर्ता सेट मैं शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने 1 से 2 साल पहले बाय किया था, पर तब इसकी लिंक बहुत लोगों ने मांगी थी, पर इसकी ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था तो मैं दे नहीं पाई थी। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि ये स्टॉक में आ गया है, तो जाके बाय कर सकते हो। ये मिरर पैटर्न है, ये सरारा काइंड ऑफ पैटर्न है, ये पिंक लाइट पिंक कलर का है, इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड ये ऊपर का कुर्ता है, मैं टाउन शेयर कर दूंगी, इसके अंदर लाइनिंग के लिए ये दिया गया था, स्लिप दिया गया था। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, यू कैन वेयर इन एनी क्वेश्चन, पर मैंने इस वीडियो की जो टाइटल रखी है दैट इज फॉर बसंत पंचमी। लिटरली मैं बसंत पंचमी में तो नहीं वेयर कर पाऊंगी, शायद ये येलो वाला पहन लू, अदरवाइज मैं ये प्रॉपर पूरा साल समर में मैं स्टाइल करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सारे कुर्ता सेट मेरे फेवरेट हैं, मेरे विशलिस्ट के बहुत टाइम के इंतजार करते करते करने के बाद मिले हुए कुर्ता सेट हैं, तो आई टोटली लव इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड कमेंट में बता के जाना कि आज के कलेक्शन कैसे लगे। और मेरी जो प्लानिंग है वीडियोज की वो इस तरह से है, मैंने कुछ प्लान किया है ब्लाउजेस बाय करने के, रेडी टू वेयर साड़ी बाय करने की, फॉर फेयरवेल एंड ऑफकोर्स पार्टीज, शादी, क्या कहते हो कमेंट बताओ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, खुश रहें, एंजॉय करें, बाय।